टाइम है 86-87 का। मैं कॉलेज आया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जहाँ से मैं आया था वो एक छोटा सा शहर था और मसाइल वही थे जो हर छोटे शहर के बड़े मसाइल होते हैं। वहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि आर्ट है क्या, ये कहाँ जा रहा है, और जो पेरेंट्स होते हैं आई थिंक उनका कंसर्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि उनका बेटा कुछ लायक बने, कुछ कमाने लायक बने, कुछ मुल्क को सर्व करने के लायक बने। तो रिजर्वेशन उनकी बड़ी वजह थी सारी की सारी, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि हमें जो मीडिया से पिक्चर दिखाई जाती है वो पिक्चर कभी भी इतनी फैसिनेटिंग नहीं होती। सिर्फ जो पिक्चर फैसिनेटिंग होगी वही वैसे ही चाहेंगे कि लोगों के बच्चे वैसे बने, पेरेंट्स वैसा चाहेंगे। तो घबरा जाते हैं शुरू में आके, बाज़ुकात कल्चर का प्रेशर होता है नए, बाज़ुकात ज़ुबान का प्रेशर होता है, बाज़ुकात इकॉनमी का प्रेशर होता है। लेकिन मेरा उन सब के लिए मशवरा यही है कि डरना नहीं चाहिए इन सारी चीज़ों से। खुदा ने आपको एक ऐसी जगह बचा दिया और आप चुने हुए शख्स हैं, और आप पे एक जिम्मेदारी आयद कर दी है कि इन सब रास्तों से गुजर के ही वहाँ तक आप उस ख्वाब तक जा सकते हैं जो आपका हक है देखना, और वो ख्वाब ही बाकी सब लोगों को एक और नया ख्वाब देखने में मजबूर कर सकता है। तो मेरे ख्याल है कुछ ऐसा करें कि आपकी अपनी स्टोरी कल को एक नई स्टोरी बन जाए आने वालों के लिए। इस मुल्क से उम्मीद रखना कि हम पता नहीं हमें क्या मिल जाएगा, मेरे ख्याल है जो इस मुल्क के पागल लोग हैं वही इस मुल्क को चला सकते हैं, जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, जो इस मुल्क के फ्यूचर का एक ख्याल रखते हैं। और मेरे ख्याल ये जो 110 फिल्म्स पाकिस्तान जो ये सारे पागल लोग हैं, और इस तरह के पागल लोगों की हमें शदीद ज़रूरत है कि इस मुल्क को पागल होने से बचा सकते हैं वो लोग। और इनकी जो एफर्ट है, जो एनर्जी है, जिस तरह मैंने देखा है जो उनका बेसिक आइडिया था कि यंग लोगों को एक राइट टाइप में कैप्चर करना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट हिस्टोरिकल सर्विस आई मस्ट से। और इसी तरह के लोग हमें और भी चाहिए हर फील्ड में, कि कल को हमारी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन हो वो कोई मवाद ना ढूंढती फिरे कि हमारे कल के जो लोग थे जो आज बड़े स्टार्स हैं वो किस तरह स्टार बने। तो वो एक मशरे राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं हमेशा उन्हें बड़ा क्रेडिट देता हूँ उस काम के अंदर।